हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा। मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल की पकौड़ी। आप अगर इसको ट्राई करोगे तो हो सकता है चौड़े वाली दाल जो होती है उसको भी भूल जाओगे आप, उसकी पकौड़ियों को भी। तो आपको मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आपको आज मैं बताने वाली हूँ। तो काफी सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, कुछ भी नहीं करना है आपको उसको। तो चौड़े वाली दाल को तो भीगने में भी बहुत टाइम लगता है, इसको भीगने में भी टाइम नहीं लगता। आप 2 घंटे भी भिगोगे, 1 घंटे 2 घंटे भी भिगोगे तो ये आराम से भीग जाती है। तो आपको क्या करना है कि किस तरीके से बनानी है वो मैं देती हूँ आपको, और आपको क्या क्या ऐड करना है इसमें वो भी मैं बता देती हूँ। अभी ये 2 घंटे में मैंने 1 घंटा भिगोई थी और ये हो चुकी है। मेरे को इसको पीसना है और क्या क्या आपको सामग्री यूज करनी है वो बता देती हूँ मैं। तो आपको यूज करना है इसमें, सबसे पहले तो यूज करना है आपको इसमें हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, धनिया, अदरक, और इसमें डालनी है आपको हींग। मैं ऐड करूंगी इसमें इतनी सी हींग, और आपको डालनी है इसमें थोड़ी सी सौंफ। सौंफ डालोगे तो क्या होता है, एक्चुअली पचने में थोड़ी सी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मतलब हींग और वो जरूर यूज कीजिएगा इसमें सौंफ। तो ये चीज यूज कीजिए, और मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से बनाना है आज, और काफी आसान सा तरीका है और कितनी टेस्टी बनती है आप खुद ट्राई करके देखना। आप बोलोगे कि सच में चौड़े वाली दाल की पकौड़ी को आप भूल जाओगे, जो मंगोड़े जिसको बोलते हैं, और ये खाना स्टार्ट कर दोगे। इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हो, आलू ऐड करके देखना आप, बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास फिलहाल है नहीं, इसलिए मैं ऐड नहीं करूंगी। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से बनानी है आज। तो ये आप देख सकते हो दाल मैंने पीस ली है, और इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ी सी हींग। नेक्स्ट ऐड करूंगी जो मैंने सारे सामान जो कट करके रखे थे वो वाले इसमें ऐड कर दूंगी मैं। मैंने इसमें ऐड करी थी 3 हरी मिर्ची, 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज, और थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरा धनिया। आप कितने कैंडिडेट के हिसाब से बनाते हो उस हिसाब से आपको ऐड कर लेने। हम 3 कैंडिडेट है तो उसी हिसाब से मैंने सारे सामान इसमें ऐड कर लिए, और बाकी खाने में भी बड़ी टेस्टी होती है, बनती भी बड़ी जल्दी है, समय की भी आपकी बहुत बचत हो जाती है इस वाली दाल की बनाते हैं तो। और जो अपन बेसन वाली खाते हैं वो अपन को नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हो सारा सामान मैंने इसमें डाल दिया। मैं ऐड करूंगी इसमें मसाला, तो मसाला देखते हैं क्या क्या डालना है। मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया डालना है क्योंकि मैं सूखा भी डालूंगी, थोड़ा मोटा वाला बिना पिसा हुआ, तो मैं कमी ऐड करूंगी। और टेस्ट अनुसार, आपके टेस्ट अनुसार नमक थोड़ा सा इसमें ऐड करनी है। आपको हल्दी आपको अच्छे से क्वांटिटी में ऐड करनी है क्योंकि हल्दी से काफी अच्छे से टेस्ट आएगा इसमें, तो हल्दी थोड़ा अपन ज्यादा ऐड कर लेंगे। ठीक हो चुकी है, नेक्स्ट इसको कर लेंगे अपन अच्छे से मिक्स। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी ये साझा वाला धनिया जो पिसा हुआ नहीं है, बिना पिसा हुआ है, इसको कर लूंगी मैं क्रश। हाथ से चाहो तो आप हाथ से कर सकते हो, मशीन और किसी और चीज से चाहो तो और से भी कर सकते हो, पर मैं हाथ से कर लूंगी क्योंकि ज्यादा इतनी वो नहीं है। तो इसको डाल देंगे अपन क्रश करके इसमें, तो आप देख सकते हो धनिया भी मैंने ऐड कर दिया। इसको कर लेंगे अपन अच्छे से मिक्स। अब ये हो चुका है मसाला तैयार, इस तरह का हो जाएगा। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख देना ताकि सब चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने इसमें मैं बनाने के बाद निकालूंगी, तो मैंने इस पर टिश्यू पेपर निकालेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल होगा जो इसमें निकल जाएगा। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा डालूंगी लेमन, नींबू डाल दूंगी थोड़ा सा क्योंकि उससे क्या अच्छा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, इसलिए थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं इसमें नींबू। कढ़ाई रख दी थी मैंने गरम होने के लिए, तो कढ़ाई गरम हो चुकी है, तो उतारते हैं बनाते हैं। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो करते हैं, ऑयल गरम हो चुका है, ये देख सकते हो। अब मैं बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा आए।
और बीच बीच में आपको उनको पलटते रहना है ताकि थोड़ी दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए, अंदर से कच्ची ना रहे। कुछ इस तरह की बनके तैयार है अपनी पकौड़ियाँ। मैंने बनाया था, ऑयल किसका यूज़ किया है, मैंने फॉर्चून का ऑयल यूज़ किया है और देख सकते हो रेडी है बिल्कुल, गरम गरम खाते हैं। मैं निकाल दूंगी इसको एक उसमें प्लेट में ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें अंदर इसके अंदर चला जाए पेपर के अंदर। तो देख सकते हो आप बन के तैयार है बिल्कुल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और जरूर से जरूर बताइए मुझे कैसी लगी, और ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा है, तो फिर लाइक बटन एंड कमेंट्स करना ना भूलें गाइस। कमेंट्स किया करो, लाइक बटन दबा दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर मेरी मानो तो लोहे की कढ़ाई में कई बार किसी टाइम ट्राई करके देखिए, लोहे की कढ़ाई में मतलब टेस्ट दोगुना हो जाता है। वैसी कढ़ाई में नॉन स्टिक में कभी भी नहीं बनाना चाहिए, या तो हमेशा स्टील की में बनाओ या फिर सिल्वर की में बनाओ सॉरी, या फिर इसमें लोहे की में बनाओगे तो शायद हो सकता है टेस्ट अब अच्छी भी नहीं होगी, तो भी उसका लोहे की कढ़ाई की वजह से टेस्ट का काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस तरीके से ट्राई करके देखिए आप, और इनको पलटते रहिए बीच बीच में। कैसी बनी आती थी पकौड़ी? अच्छी, वाह। और बनाओ।